Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory. Yeshu, tera naam mera saran sthaan. Sada main stuti karunga. Yeshu, tera naam mera saran sthaan. Sada main stuti karunga. छत्तीसगढ़ से सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने एक बार और मुझ तुच्छ और पापी पर दृष्टि की और इस सुंदर अवसर को मेरे जीवन में दिया। थैंक यू नागेश ब्रदर, गॉड ब्लेस यू फॉर शेयरिंग गॉस्पल। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। तो सर्वप्रथम आज का जो टॉपिक है वो प्रिय वो है मत्ती मैथ्यू चैप्टर 6:10। वचन कहता है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज इस टॉपिक पर हम कोशिश करेंगे मनन और चिंतन करने के लिए, और उससे पहले कि आज के वचन पर जाए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। एक बार और आपने हम तुच्छ और पापियों के अवसर दिया कि हम आपके वचन आपके पवित्र कलाम से कुछ पढ़ सके। खुदा बाप, हमें ये कुवत नहीं न हमें ये अनुग्रह और दया है प्रभु कि हम इसे समझ भी सके, परंतु प्रभु आपका वचन कहता है जो मेरे खोजी होते हैं जो मुझे ढूंढते हैं प्रभु मैं उन्हें तृप्त करता हूँ। यीशु राजा, सच में तू महान है पिता। हम प्रार्थना करते हैं वचन आपका सुनने वाले आपके हैं पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा उनके हृदय भेदे जाए, उन पे अपने अनुग्रह को करिए, अपनी आशीष को डेलिए। खुदा बाप, प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली की सभी पेज के लिए, इस पेज के माध्यम से सिर्फ भारत में नहीं परंतु पूरे विश्व में आपके सुसमाचार का प्रकाशन हो सके। सारा आदर गौरव महिमा मैं आपको देती हूँ प्रभु, आप बढ़े मैं घटूं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। तो मैथ्यू यानी कि मत्ती अध्याय 6 उसका 10वां पद, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे थे जब उनके चेलों ने पूछा कि जब तू चला जाए तो हम कैसी प्रार्थना करें, हम कैसी प्रार्थना करें। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखा रहे थे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। आमीन आमीन आमीन।
इब्रानियों चैप्टर 11 वर्स 10 में लिखा है, क्योंकि वह स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। फिर से पढ़ दे रही हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले, स्थिर नेव वाले यानी कि मजबूत नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। यहाँ बात हो रही अब्राहम की, इब्रानियों चैप्टर 11 वर्स 10 में यहाँ बात हो रही इब्रानियों में अब्राहम की। अब्राहम उस नगर की बाट जो रहा था जिसका नेव, जो उसकी नेव है वो स्थिर रहनी चाहिए। उसे इस संसारिक जीवन के बारे में पता था, वो जानता था कि संसार में जीवन हमारा 60 साल 80 साल 100 साल का हो सकता है, पर उसे उस नगर की तलाश थी, वो उस नगर का खोजी था जिसकी नेव स्थिर हो और जिसका रचने वाला बनाने वाला स्वयं कौन हो, परमेश्वर है। आज मैं और आप किस राज्य की बाट जो रहे हैं, आज मैं और आप किस राज्य की खोज में लगे हैं, आज मैं और आप, जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं। इसलिए जो रहे हैं कि हम उसके साथ उसके स्वर्ग लोक में जाएं, उसके पिता के घर में जाएं जहां वो हमारे लिए रहने के लिए स्थान को बना रहा है। अब्राहम ऊर देश का रहने वाला था, आराम की जिंदगी, नो टेंशन, सब कुछ उसके पास था, किसी चीज की कमी घटी नहीं थी। लेकिन उसने उस आराम को छोड़ दिया क्योंकि वह एक ऐसे शहर के इंतजार में था जहां परमेश्वर का राज्य है। उसने उस आराम को, उस लग्जरी लाइफ को, वो फुलफिल लाइफ को उसने छोड़ दिया। उसने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसने सब कुछ छोड़ दिया परमेश्वर के उस राज्य के लिए, क्योंकि वो जानता था कि उस राज्य का बनाने वाला कौन है, स्वयं खुदा है, स्वयं परमेश्वर है। इसलिए उसने इस पृथ्वी को क्या कर दिया, छोड़ने का संकल्प कर लिया। उसको ऐसे शहर का इंतजार था जहां परमेश्वर का राज्य था। यह राज्य यीशु मसीह और 144,000 अभिषिक्त मसीहों से मिलकर बना था। यीशु मसीह और 144,000 144,000 अभिषिक्त यानी कि ब्लेस्ड लोगों से, मसीहों से मिलकर बना था। पौलुस ने स्वयं इस राज्य को जीवते परमेश्वर की नगरी कहा, जीवते परमेश्वर की नगरी, स्वर्ग की यरूशलेम कहा, स्वर्ग का यरूशलेम, जीवते परमेश्वर की नगरी, स्वर्ग का यरूशलेम। आज हम इस संसार में हो सकता है फ्लैट बना ले, हो सकता है हम अपार्टमेंट बना ले, हो सकता है हम झोपड़ी बना ले, हो सकता है हम वेल घर बना ले और इस घर में हम खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वचन कह रहा है क्योंकि वह उस स्थिर ने वाले नगर की बाट जो रहा है, उसका इंतजार कर रहा है, उसका बाट जो रहा है जिसका रचने वाला स्वयं परमेश्वर है और जिसकी नेव जो है वो क्या है, स्टेबल है यानी कि स्थिर है। ऐसे नगर की बाट इब्राहिम जो रहा है। आप और मैं क्या कर रहे हैं, आप और मैं किस चीज की बाट जो रहे हैं? जी हम प्रार्थना तो करते हैं कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। लेकिन इस इच्छा को पूरी करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करने के लिए आपका और मेरा क्या योगदान है, आपका और मेरा क्या योगदान होना चाहिए, आगे हम लोग देखेंगे। हर कोई प्रचार नहीं कर सकता, हर कोई बाइबल अध्ययन नहीं कर सकता, हर कोई गीत नहीं गा सकता, हर कोई संगति नहीं कर सकता। लेकिन जैसे हम आज पढ़ रहे हैं मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 10 कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो, इस चीज को पूरी करने के लिए यानी कि परमेश्वर के प्लानिंग में हम कौन सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, छोटा सा कौन सा ऐसा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इब्रानियों चैप्टर 12 वर्स 22, तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास, यहाँ पे बता रहा है, मेंशन है कि हमको उस नगर की बाट जोनी है, उस स्थिर नगर की, उस राज्य की बाट जोनी है जो परमेश्वर ने स्वयं इस्टेब्लिश की है, परमेश्वर ने स्वयं उसको बनाया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5:10 में पढ़ते हैं तो वहां भी हम इसे पाते हैं, उन्होंने हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। यहाँ पे क्लियर हो रहा है, यीशु ने स्वयं अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई, परमेश्वर का राज्य आए, धरती पर उसकी मर्जी पूरी हो ठीक जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। लेकिन इस से पहले कि हम जाने कि हम उसकी इच्छा को कैसे पूरी कर सकते हैं, उसकी इच्छा को हम स्वर्ग पर
कैसे ला, पृथ्वी पर कैसे ला सकते हैं, उससे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा और अब्राहम के बारे में। अब्राहम को पूरी जानकारी नहीं थी परमेश्वर के राज्य की, वो ज्यादा कुछ नहीं जानता था, क्योंकि सदियों से ये रहस्य बना हुआ था कि परमेश्वर का राज्य क्या है। स्वर्ग, कुछ लोग बोलते हैं स्वर्ग, कोई लोग बोलते हैं सियोन देश, हमारा है देश, है ना, हम यहां पर देसी हैं, सियोन हमारा देश है। सबकी अलग अलग थिंकिंग है। इफिसियों चैप्टर 1 में इसको और क्लियर करता है, समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, बोल रहा है समय पूरे होने से पहले ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ मसीह में एकत्र करें। व्हाट अ वंडरफुल एंड ब्लेस्ड वर्ड्स। थोड़ा सा कठिन टॉपिक है पर समझने का प्रयास करेंगे प्रार्थनाओं के द्वारा। मेरे लिए भी अपने मनों में निरंतर प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर का राज्य हम पृथ्वी पर लाने में कौन सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कौन सा सहयोग कर सकते हैं। अब्राहम बाट जो रहा है, अब्राहम बोल रहा है कि उस स्थिर नेव वाले नगर की मैं बाट जोता हूँ जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। वो उस नगर की बाट जो रहा है जिसका रचने वाला और बनाने वाला कौन है, स्वयं परमेश्वर। एक स्टेबल स्टेट की वो बाट जो रहा है। मैं और आप किसकी बाट जो रहे हैं? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं, ताकि वो आए हमारे दुखों से हमें आजादी दिलाए, हमारे पापों से हमें मुक्ति दे और हम उसके साथ सेफली उसके पिता के घर में जा सके। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। सेफली हम उसके साथ उसके राज्य में उसके पिता के घर जा सके, जहां वो बोला है, उसने प्रॉमिस किया है कि मेरे पिता के घर बहुत सारे स्थान है, मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। लेकिन उसकी इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए आपका और मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, इस बात पर मैं आज चर्चा करना चाहती हूँ कि क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्या कर सकते हैं। हर कोई प्रचार नहीं कर सकता, हर कोई 100-100 दिन का उपवास नहीं रख सकता, हर कोई संगति नहीं कर सकता, हर कोई चर्च नहीं जा सकता, कोई इसमें शर्म की बात नहीं, इट इज फैक्ट, नो मैटर। हर कोई ज्यादा दान नहीं दे सकता, हर कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब्राहम भी नहीं जान रहा था कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, सदियों से इस पर पर्दा पड़ा हुआ, ये रहस्य की बात है कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, उसे भी नहीं पता था। लेकिन ये जानता था कि परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किया है कि तेरे जो वंशज होंगे उसमें से मैं राजा बनाऊंगा। जी हाँ, ये जानता था कि परमेश्वर का वादा खरा है, वो अपने वादे पर खरा उतरा है। तेरे वंशज से मैं वादा राजा बनेंगे, क्योंकि यहोवा ने उसे साफ साफ यह बात बताई थी। हम देख सकते हैं जेनेसिस चैप्टर 1:6, मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊंगा फलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, हेड ऑफ द बोल रहा है, जाति जाति का मूल बना दूंगा, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। लेकिन परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए आपकी और मेरी क्या साझेदारी है, क्या है कंट्रीब्यूशन, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं हम चैप्टर यशायाह 40 उसका 3-5 तक। जो भी जुड़े हैं जुड़े रहिए, शॉर्ट मैसेज है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करे। किसी की पुकार सुनाई देती है जंगल में, यहोवा के लिए मार्ग सुधारो। वचन कह रहा है किसी की पुकार सुनाई देती है जंगल में, यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राज्य मार्ग चौरस करो। वहां पर आया है हिंदी बाइबल में चौरस करो और इंग्लिश बाइबल में स्ट्रीट हाईवे। कैसा होता है, उसमें बहुत लंबा चौड़ा सा रोड होता है, उसमें ज्यादा घुमाव फिराव नहीं होता, उसमें ज्यादा गड्ढे नहीं होते, वो प्लेन होता है, एकदम पिच रोड जिसे हम कह सकते हैं, स्ट्रीट हाईवे। वो रहा है किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। आज समय आ गया है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले यहूदा ने उसके मार्ग को सुधारा, यहूदा आया और यहूदा ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्गों को सुधारा, जितनी तराइयां थी, जितने पहाड़ थे उसने काटे और प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने प्लेन किया रास्तों को, उसने परमेश्वर के लिए रास्तों को तैयार किया। आज आपकी और मेरी परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि हम क्या करें, उसके लिए स्ट्रीट हाईवे तैयार करें, एक राजमार्ग तैयार करें। राजमार्ग का मतलब आप समझ सकते हैं हाईवे, जिसमें से
चारों दिशाओं, चारों देशों से, चारों राज्यों से कोई भी गाड़ी आवक जावक कर सकती, जिस पर कोई रुकावट नहीं होता है। यहुन्ना पहले आया प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्या किया? स्ट्रीट हाईवे बनाया। अब ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले इस मार्ग को हम क्या करें, इसके उसके लिए एक राजमार्ग चौरस करो, बोल रहा है वचन, एक राजमार्ग चौरस करो। फिर से मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने वर्स को, यशाया चैप्टर 40 वर्स 3, किसी की पुकार सुनाई देती है जंगल में, यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आने के लिए, लाने के लिए, सॉरी, परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर लाने के लिए आपकी और मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, कि उसके लिए हम एक स्ट्रीट हाईवे को क्या करें, तैयार करें, एक चौरस, एक चौड़ा राजमार्ग उसके लिए तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पूर्व यूहन्ना ने उसके लिए जैसे राजमार्ग तैयार किया, अब ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? आगे लिखा है, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। हर एक तराई भर दी जाए। तराई क्या है? जब यूहन्ना प्रचार करता था तो उस समय भी सेम सिचुएशन था, सेम, जय मसीह की ब्रदर, उस समय भी सेम सिचुएशन था जब यूहन्ना प्रचार कर रहा था परमेश्वर के राज्य की, कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। उस समय भी क्या था, फिर से पढ़ रही हूं मैं, हर एक तराई भर दी जाए। उस समय क्या थी? तराइयां थी, तराइया मीन्स गड्ढे, और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, यानी कि जो रोड था वो स्ट्रीट हाईवे नहीं था, वो राजमार्ग नहीं था, वो उबड़ खाबड़ था। जो भी भाई बहन जुड़े हैं, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में कार्य करेगा, आपको परमेश्वर आपकी अपनी योजना में इस्तेमाल करेगा। उस समय जो रोड था वो जिगजैग था, और आज भी जो रोड है वो कैसा है? जिगजैग है। आज भी तराइयां हैं, आज भी पहाड़ है, आज भी पहाड़ी है। इसको हमको क्या करना है, बोल रहा है, पहाड़ी गिरा दी जाए। थैंक यू जीसस। जो टेढ़ा है वो सीधा। अब ये पहाड़ी क्या है? पहाड़ी है जो रोड़ा परमेश्वर के राज्य के लिए, शैतान की योजना। पहाड़ी है वो रुकावट जो हमारे आत्मिक जीवन से हमको पीछे करती है। पहाड़ी है वो सेना जो परमेश्वर की सेना को रोकती है। पहाड़ी है वो जो प्रचार और प्रचारकों को रोकते हैं। पहाड़ी है वो जो वचन को नहीं सुनते हैं। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले राजमार्ग तैयार किया। अब प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले आपका और मेरा ये काम है, परमेश्वर की योजना में ये कंट्रीब्यूशन है कि हम उसके लिए राजमार्ग को तैयार करें, चौरस करें, स्ट्रीट हाईवे बनाने की जिम्मेदारी अब आपकी और मेरी है। ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम उसके राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए कर सकते हैं, और करना ही है प्रत्येक को। इन तराइयों को भरनी पड़ेगी। उस समय क्या थे? उस समय कौन तराई था? उस समय सदूकी, फरीसी, शास्त्री, ये तराई थे। यीशु मसीह को सूली पर लटका रहे थे, सबसे ज्यादा कौन चिल्ला रहा था? हाँ, इसे क्रूस की सजा दो, क्रूस की सजा दो। कोई आम जनता नहीं चिल्ला रही थी, वही फरीसी और शास्त्री चिल्ला रहे थे। आज कोई आम जनता नहीं चिल्ला रही है। आज हमारे मसीह लोगों में यूनिटी नहीं है। आज हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, जबकि वचन कहता है किसी को जज नहीं करना है। लोग पैर पकड़ के पीछे खींच रहे हैं, किसी को कोई पुश नहीं करना चाहता कि हाँ तुम और आगे बढ़ो। आज परमेश्वर बोल रहा है कि पुकार सुनाई देती है जंगल में, यहोवा का मार्ग सुधारो। इस संसार रूपी जंगल में हमको परमेश्वर के मार्ग को सुधारना ही पड़ेगा। इतना कंट्रीब्यूशन प्रत्येक पृथ्वी के मनुष्य का होना चाहिए, आपका और मेरा होना चाहिए, कि हम उसके लिए एक स्ट्रीट हाईवे बना सके जो क्या हो, बराबर हो। अमेरिका सुनसान पड़ा हुआ था एक जंगल की तरह, कोई हलचल नहीं, लोग अपने धुन में जी रहे थे। वहां मार्टिन लूथर का जन्म हुआ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी यही किया, एक राजमार्ग बनाने का प्रयास किया। प्रभु यीशु मसीह की द्वितीय आगमन की तैयारी चल रही जोरों से, बस नरसिंह का शब्द सुनाई ही देने वाला है। हमको क्या करना है? उसके लिए एक स्ट्रीट हाईवे बनाना है। हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, ये ऑर्डर है, ये आज्ञा है, गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है उस
किया जाए, जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। नो मैटर आज आप ज्यादा दान नहीं करते, नो मैटर आप ज्यादा वचन नहीं पढ़ते, नो मैटर आप ज्यादा संगति नहीं करते, नो मैटर आपको वचन की भेद भरी बातें ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट नहीं करता, नो मैटर आप उपवास नहीं रख सकते, आप क्या कर सकते हैं? आप उसके राज्य मार्ग को चौरस करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। क्या करना है? सबको इक्वल बोल रहा है, सबको इक्वल कर दो, जात पात छोटा गरीब ऊंचा नीचा, ये होगा। उस समय भी ऐसा हुआ, सब कुछ परमेश्वर ने इक्वल कर दिया, और आने वाले समय में सब कुछ इक्वल होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जब तक इक्वलिटी नहीं आएगी पृथ्वी पर, तब तक उसका राज्य नहीं आएगा पृथ्वी पर। सुन लीजिए जितने भी लोग सुन रहे हैं, और जितने लोग सुन रहे हैं वो रेडी हो जाइए। आप और मेरी जिम्मेदारी क्या है? उसके लिए मार्ग को चौड़ा करना है, उसके लिए एक स्ट्रीट हाईवे बनाना है, उसको हमको चौरस करना है। यूहन्ना आ गया, यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग चौड़ा कर दिया। अब प्रभु यीशु मसीह द्वितीय होने वाला है, तो ये कौन करेगा? ये राज्य मार्ग को चौड़ा कौन करेगा? आप और मैं करेंगे, आप और मैं करेंगे। इस इक्वलिटी को पहले हमको मेंटेन करना पड़ेगा, तब परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर, उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे उसकी इच्छा इस पृथ्वी पर भी पूरी होगी। आगे क्या लिखा हुआ है? उसको एक संग सब प्राणी, विद इन एनिमल ऑल्सो, सब प्राणी एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। कितनी खूबसूरत बात है कि हमारे परमेश्वर को प्रत्येक जाति जाति का मनुष्य, पशु पक्षी, ये प्रकृति, हर कोई उसे देखेगा स्वर्ग से उतरते। इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है? लेकिन उसके लिए, उसके आने के लिए आपको और मुझे मार्ग को तैयार करना है। ये जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे दी है। यूहन्ना ऐसी काम नहीं कर रहा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, उसको भी इन तराइयों को मेंटेन करने में, इन पहाड़ियों को, इन पहाड़ को गिराने में बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, बहुत तकलीफें काटनी पड़ी। हर समय उसका सर कलम करने का आदेश कभी भी निकल सकता था। आज आपके और मेरे साथ क्या हो रहा है? शायद आगरा की स्थिति मुझे नहीं पती, हमारे छत्तीसगढ़ की कंडीशन तो बहुत ही बदतर है, बद से बदतर है। हम कॉटेज मीटिंग नहीं कर सकते, यहाँ गांव-गांव में चर्चेस नहीं है, हम घर में कलीसिया नहीं लगा सकते, हम प्रेयर करने के लिए 2-4 लोग किसी के घर नहीं जा सकते, यहाँ स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, यहाँ पास्टरों को आए दिन मारा और जेल में घसीटा जा रहा है। क्यों हो रहा है? इक्वलिटी के लिए। सारी तराइयां प्रभु यीशु मसीह चाहता है उसके आगमन से पहले कुछ भी उबड़ खाबड़, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा, कोई भी पहाड़ ना हो, सब क्या हो जाए? स्ट्रीट हाईवे। इसमें कौन खड़ा होगा? आप सोच रहे हैं कि हमको प्रचार करना नहीं आता तो हम कैसे प्रचार करें? आप सोच रहे हैं हम गरीब हैं, हम दान कैसे दें? आप सोच रहे हैं हमको ज्यादा फास्टिंग नहीं पसंद है, हम कैसे करें? आप सोच रहे हैं हम ज्यादा वचन नहीं पढ़ सकते, हम कैसे करें? तो कैसे? कुछ मत सोचिए। इस कार्य को हमको करना ही पड़ेगा, इस क्रूस के बोझ को हमको उठाना पड़ेगा, ये आज्ञा है। बोल रहा है जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, इट इज ऑर्डर। जंगल में यहोवा का मार्ग, जंगल यानी कि संसार में यहोवा के मार्ग को आपको और मुझे सुधारना ही पड़ेगा। उसने कहा है कि वो आके हमको रीपे करेगा, वो हमारा हमको सब कुछ वापस करेगा, लेकिन वो हमसे क्वेश्चन भी करेगा कि जो ये आज्ञा मैंने तुझे दी थी, ये तूने क्यों नहीं फॉलो की? मेरे आगमन से पहले तूने मेरे लिए मार्ग क्यों नहीं सुधारा? स्ट्रीट हाईवे क्यों नहीं बनाया? इसी पास्टर पासवानों से, प्रभु के दास दासियों से नहीं पूछा जाएगा, प्रिय पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य से पूछा जाएगा, जिसके हाथ में वचन है, जिसके हाथ में वचन है उससे पूछा जाएगा, उससे प्रत्येक से पूछा जाएगा। अब्राहम नहीं जानता था, वो ऊर देश का रहने वाला था, उसको नहीं मालूम था, लेकिन उसको इतना मालूम था इब्रानियों 11:10, क्योंकि वो उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था। अब्राहम उस स्थिर नेव वाले की, स्टेबल राज्य की बाट जो होता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। बस उसको इतना मालूम था कि परमेश्वर का राज्य है कहीं पर, क्योंकि इस रहस्य पर पर्दा पड़ा हुआ था और आज तक भी पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन इतना समझ में आता है जब हम यशाया चैप्टर 40 पढ़ते हैं, उसका वर्स 3-5 पढ़ते हैं, जो आज मैं मनन कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो उसमें बता रहा है कि किस कौन सा राज्य
जो उसका राज्य आने वाला है, उस तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यही प्रार्थना अपने चेलों को सिखाई, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। उसकी इच्छा को, पृथ्वी को पूरी करने के लिए आपको और मुझे क्या करना है, उसके राजमार्ग को चौरस करना है, चौड़ा करना है, स्ट्रीट हाईवे बनाना है। ये जिम्मेदारी सिर्फ पास्टर पासवानों की, प्रचारकों की नहीं है, प्रत्येक पृथ्वी के मनुष्य की है। अब्राहम को ज्यादा कुछ नहीं मालूम था, वो आराम की लाइफ जी रहा था, पीसफुली जॉयफुली, उठो और चलो। अब ये इसको खोजने गया, परमेश्वर के राज्य को, और परमेश्वर ने उसे क्या बना दिया, पिता। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। उसको ज्यादा मालूम नहीं था, उसको इतना मालूम था वो ऐसे शहर का इंतजार कर रहा था जहां परमेश्वर का राज्य, राज यीशु मसीह और 144,000 अभिषिक्त मसीह से मिलकर बना है। इतना उसको मालूम था, इससे ज्यादा उसको नॉलेज नहीं था। जेनेसिस के चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, 144,000 अभिषिक्त मसीहों से मिलकर और प्रभु यीशु मसीह से मिलकर एक राज्य बना है, जिस राज्य की वो बाट जो रहा था और जिस राज्य का वो नागरिक बनना चाहता था। कितनी खूबसूरत, उसने अच्छा सोचा, इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में अच्छा किया। हम इस संसार में चाहते हैं, इस स्ट्रीट पे हमको एक फ्लैट मिल जाए, उस स्ट्रीट में हमारी एक प्रॉपर्टी मिल जाए, उस शहर में मुझे एक बिल्डिंग मिल जाए। परमेश्वर के राज्य के लिए क्यों नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते? क्या पूरा नहीं होगा? जरूर होगा, वो तो प्रॉमिस करके गया है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। इफ यू वॉन्ट टू कम, अगर तू आना चाहता है तो मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा। क्यों हम नहीं बोलते, परमेश्वर मैं तेरे पिता के घर में, राज्य में अपना घर बनाना चाहता हूँ। अब्राहम को ज्यादा कुछ नहीं पता था, ज्यादा ज्ञान नहीं था, दो चार बातें ही उसे पता थी कि परमेश्वर का राज्य होगा, जिसकी नींव परमेश्वर ने रखी है, जो स्थिर है, स्टेबल है, ये पता था, जिसमें इतने इतने लोग हैं, ये पता था। उसने प्रॉमिस किया है कि तुझे मैं मूल वंश बनाऊंगा, तेरे वंश से मैं राजा बनाऊंगा। इससे ज्यादा बातें उसे पता नहीं थी, सिर्फ फॉलो कर रहा था परमेश्वर को। आज हम क्या कर रहे हैं प्रियो? प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने ही वाला है, हो सकता है पलक झपकते ही हो जाए। हमने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया उसकी पृथ्वी पर, उसके राज्य को लाने के लिए? हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? हमने दान दिया लाखों हजारों, हो सकता है किसी ने 5 रुपए भी दिए, नो मैटर, परमेश्वर के लिए तो सब इक्वल है। किसी ने समय दिया, उसके राज्य को हम पृथ्वी पर लाने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? तो तैयारी ये करनी है, फिर से मैं पढ़ रही हूँ यशाया 40:3-5, किसी की पुकार सुनाई देती है जंगल में, यहोवा का मार्ग सुधारो। ये सबसे बड़ा काम है आपके और मेरे लिए, जंगल में, संसार रूपी जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। इससे बड़ा काम परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या दिया? ये सबसे बड़ा काम है उसका, कि उसके लिए हमको मार्ग को सुधारना पड़ेगा। हमारे परमेश्वर के लिए अरबा में एक राज्य मार्ग चौरस करो। राज्य मार्ग तो निकल गया है, तैयारी तो हो गई है, लेकिन उसको चौड़ा करना है, उसको स्ट्रीट हाईवे बनाना है। हाईवे बनाने का मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकती, आपको मालूम है हाईवे कैसा होता है। परमेश्वर वैसी ही तैयारी चाहता है, प्रत्येक मनुष्य का कंट्रीब्यूशन चाहता है। एक हाईवे बनाने के लिए कितने लेबर्स लगते हैं, इंजीनियर्स लगते हैं, छोटे से बड़े अहदे तक के ऑफिसर्स लगते हैं, वो यही चाहता है। उसके लिए छोटा कंट्रीब्यूशन भी इक्वल है, बड़ा कंट्रीब्यूशन भी इक्वल है। कितनी बड़ी बात कह दी, हर एक तराई भर दी जाए, हर एक गड्ढे को फुलफिल करना है हमको। चाहे आज हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह के समय के फरीसी और शास्त्री खड़े हैं, जी हाँ खड़े हैं, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हैं, झूठे लोग खड़े हैं, और वहां भीड़ देखिए कितने हैं। नो मैटर, उस तराई को हमको क्या करना पड़ रहा है, भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। ये काम आपको और मेरा है, कोई पर्टिकुलर पर्सन को ये अभिषेक नहीं मिला, ये अनॉइंटिंग नहीं की पर्टिकुलर वन पर्सन ही पृथ्वी पर ऐसा कुछ करेगा। ये प्रत्येक मनुष्य की जिम्मेदारी है, प्रत्येक ह्यूमन बीइंग की। नो मैटर हम बिलीवर हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम फॉलोअर हैं, नो मैटर हम कोई भी हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है परमेश्वर ने हमें, इट इज नॉट ए जोक। उसके लिए हमको राज्य मार्ग को चौरस करना है, चौड़ा करना है, चौरस करना है, हर एक तराई भरनी है।
आज भी वही सिचुएशन है जब यहुन्ना के समय था, जब यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के राजमार्ग को तैयार कर रहा था, परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा था। सेम सदूकी फरीकी शास्त्री सब सेम आज भी वही सिचुएशन है। आज तो ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन इस सिचुएशन में हम कैसे स्टेबल रह सकते हैं? जैसे डैनियल रहा, जैसे मूसा रहा, प्रभु यीशु मसीह के चेले रहे, भाग भाग के जाते थे, भाग भाग के आते थे, जैसे थोमा था। ये सब आज आपको बताने की जरूरत नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं। मेरा जो आज लक्ष्य है कि आप ये समझें कि आप परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए अपना क्या पर्सनल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। मैं क्या दे सकती हूँ, मैं अपने लिए भी बोलती हूँ, वचन में पहले अपने लिए तैयार करती हूँ, मैं क्या कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ, आप क्या दे सकते हैं, इस पर आप विचार करिए, सोचिए, मनन करिए। इट इज नॉट ए जोक। सिर्फ ये बोल रहे हैं हम प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। वो आएगा कैसे जब उसने हमें अपनी सांस दी, हमें जीवित रखा, माता के गर्भ से हम पर चित लगा कर रखा, हमारे लिए सब कुछ दिया, नेचर दिया, फ्री एयर दिया, वाटर दिया, सब कुछ दिया। तो क्या उसके लिए हम उसके लिए एक हम स्ट्रीट हाईवे नहीं बना सकते हैं? अपना प्राण तक उसने हमारे लिए दे दिया। एक ही चीज तो मांग रहे कि भैया चौड़ा कर दो राज्य मार्ग को। इतना कंट्रीब्यूशन हमको करना है, इतना हमारा जो सहयोग है वो उसे चाहिए। और ये पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, मैं कहती हूँ कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, हम अपने आप को फॉलोअर कहते हैं, हम अपने आप को बिलीवर कहते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है। फर्स्ट जो अटेम्प्ट है हमारा, फर्स्ट जो हमारा एम होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम क्या करें, उसके लिए राजमार्ग को बनाएं, उसको चौड़ा करें। और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको हमको सोचना है। सिर्फ ये नहीं कि हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं हमारे पिता तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी होती हो, पूरी हो, सिर्फ ये ही हमारी प्रेयर नहीं होनी चाहिए। इस प्रेयर को हम फुलफिल कैसे कर सकते हैं ये हमको सोचना है। तो परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आपको आशीष दे, और मुझे भी आशा है कि आप कोशिश करेंगे कि आप उसके राज्य मार्ग को कैसे पृथ्वी पर ला सकते हैं, उसके राज्य को पृथ्वी पर कैसे ला सकते हैं, कैसे उसके राज्य मार्ग को चौरस कर सकते हैं, कैसे उसके लिए स्ट्रीट हाईवे बना सकते हैं, और आपका कौन सा उसमें कंट्रीब्यूशन है प्रियो, ये हमको जरूरी है। तो परमेश्वर आज आपके लिए उन द्वारों को खोले, आप पर अनुग्रह करे, आप पर दया करे, ताकि आप उसकी प्लानिंग में इस्तेमाल किए जाए। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू विजय ब्रदर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद खुदा बाप, इस समय हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरे अपरंपार आशीषों के लिए। प्रभु हम जीवित है, प्रभु हम तुच्छ पापी मनुष्य, प्रभु तेरी करुणा है, तेरी दया है, प्रभु तूने हमें जीवित रखा आज के इस सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु दिन भर का जब से सबसे खूबसूरत समय जब आपकी नजदीकी में, आपकी हुजूरी में, आपकी इबादत में आते हैं खुदा बाप, तेरे वो कलाम को पढ़ते हैं प्रभु, जबकि हम पापी हैं, हमारा तो इतनी औकात नहीं कि हम आपके कलाम को छू भी सके, परंतु हम इसे मनन करते हैं। और आप प्रभु हम पापियों पर ही अपनी भेद भरी बातों को प्रकट करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैंने ज्ञानवानों को नहीं, मैंने कंगालों और मूर्खों को चुन लिया पिता परमेश्वर, ताकि ज्ञानवान और बुद्धिमान लज्जित हो। हम तेरा धन्यवाद देते हैं जितने भी भाई बहन आज आपके वचन को ग्रहण किए हैं प्रभु, वो आपके लिए उस राज्य मार्ग को चौरस करने के सहभागी बन सके, आपके लिए पिता परमेश्वर आपके राज्य मार्ग को चौरस करने में अपनी सहभागिता को दे सके पिता परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह करिए। एक एक को आपके हाथ में सौंपती हूँ, जिन्होंने भी आज आपके वचन को ग्रहण किया है उनके जीवन को आशीषों से भर दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ डेविड ब्रदर, शबनम सिस्टर के लिए, जबकि शादी के इतने वर्षों तक आपने उन्हें संभाला, सुरक्षित रखा, प्रभु ब्लेस करिए उनके फैमिली के लिए, ब्लेसिंग को मांगते हैं। आगे प्रभु जितना जीवन आपने उन्हें दिया है प्रभु, आपकी महिमा और आपकी स्तुति के लिए उनका जीवन उपयोग होने पाए, ऐसा अनुग्रह करिए। जो बोझ भाई बहनों ने अपने जीवन में उठाया है, इस बोझ को वो अकेले उठाने में असमर्थ है खुदा बाप, उनकी अगुवाई करिए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपने मुझ पापी पर दया की, इस सुंदर अवसर को मेरे जीवन में दिया, सारा आदर गौरव महिमा मैं आपको देती हूँ प्रभु, आप बढ़े मैं घटूं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू ब्रदर। तैयारी कर लीजिए प्रियो, हमारा बहुत बड़ा सहयोग चाहिए परमेश्वर को, अब उसे हमारा इंतजार है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो एक छोटा सा काम करना है, उसके लिए स्ट्रीट हाईवे रेडी करना है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।